सूर्य हमारी सौर प्रणाली का धधकता हुआ सितारा है, जो अपनी सतह पर हो रही भयंकर गतिविधियों के कारण एक बार फिर सुर्खियों में है। सूर्य पर हो रहे धमाके के चलते संचार प्रणाली, सैटेलाइट्स और विद्युत ग्रिड्स पर संभावित खतरा मंडरा रहा है। धमाकों की इस घटना ने वैज्ञानिकों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 3 सैटेलाइट्स पृथ्वी के वायुमंडल में आकर भस्म हो गए हैं। इन 3 सैटेलाइट्स को बाहरी अंतरिक्ष में 6 महीने तक रहना था, मगर वे 2 महीने ही टिक पाए। इसकी वजह रही सूर्य पर तेज हो रही सौर ज्वालाएं, जिसे ये 3 सैटेलाइट सहन नहीं कर पाए। दरअसल सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है और ये हर 11 वर्ष में एक बार पूरी तरह से पलट जाता है। इस 11 वर्षीय चक्र के बीच में सूर्य अपने प्रचंड पर होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर जो कुछ भी घटित होता है उसका सीधा असर धरती पर पड़ता है। सोलर एक्टिविटी का सबसे अच्छा उदाहरण आसमान में नजर आने वाली रंगीन रोशनी है, जिन्हें ऑरेरा कहा जाता है। ये रोशनी सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों के वायुमंडल से टकराने पर उत्पन्न होती है। सूर्य से निकलने वाली यही ऊर्जा पृथ्वी की नजदीकी कक्षाओं में मौजूद सैटेलाइट पर लगे उपकरणों को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही एस्ट्रोनॉट्स और पायलट्स के लिए भी खतरनाक होती है। ये लंबी दूरी के रेडियो कम्युनिकेशन में भी बाधा पहुंचाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स पर सौर गतिविधि का लगातार असर पड़ता है। इसी के चलते सैटेलाइट ऑपरेटर्स की हालत खराब हो रखी है। सूर्य से आने वाली अतिरिक्त ऊर्जा बाहरी वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, जिससे ये किसी गुब्बारे की तरह बाहर की ओर फैल जाता है, जिसके कारण पृथ्वी से 1000 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित सभी सैटेलाइट्स में वायुमंडलीय खिंचाव में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ये खिंचाव उनकी कक्षा में रुकावट बनता है और उन्हें गिरने के लिए मजबूर करता है। बता दें कि निचली कक्षा में लगे प्रमुख सैटेलाइट में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और स्टारलिंक तारामंडल शामिल हैं। इन सैटेलाइट्स में वायुमंडलीय खिंचाव को बेअसर करने वाले थ्रस्टर्स लगे हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं। महंगा होने के चलते इसे सामान्य सैटेलाइट्स में लगाना मुश्किल होता है। निचली कक्षा में ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी समेत कई सैटेलाइट्स लगे हैं। कर्टिन यूनिवर्सिटी के ही 3 सैटेलाइट्स पिछले सप्ताह वायुमंडल में भस्म हो गए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।